हेलो स्टूडेंट्स, तो काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर हर टीचर्स लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड लिखते हैं, पर आपका वीडियो देखा है तो उसमें पता चलता है कि आप तो राइट साइड से लेफ्ट साइड लिखते हो। तो इसका रीज़न देने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है जस्ट, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो समझो मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि हर टीचर करता है इन जनरल, क्या करते हैं, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये अगर मेरे फर्स्ट है, समझिए मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप। देन आगे स्टेप सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं फोर्थ के बाद फिफ्थ को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अगर फिफ्थ को एक्सप्लेन करता हूँ और थर्ड और फोर्थ का कनेक्शन फिफ्थ में है, तो क्या करता हूँ मैं हमेशा उस प्रीवियस स्टेप को छुपा देता हूँ, ठीक है, अपने पेट से क्या करता हूँ उसको छुपा देता हूँ, तो उसको समझाना मुश्किल होता है। अगर मैं फिफ्थ स्टेप पर हूँ और बच्चा चाहता है कि सर मैं फोर्थ स्टेप को फिफ्थ स्टेप से रिलेट करना चाहता हूँ, तो सर आप तो छुपा देते हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताऊँ जनरल क्या होता है कि फिफ्थ लिखा तो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ छूट गया, ठीक है, तो फिफ्थ लिखा, सिक्स लिखा, तो जो मैंने पहले लिखा है वो तो छुप ही गया, आप देख सकते हो वो तो छुप ही गया, फिर सेवन, ठीक है, ऐसे एट्थ पॉइंट मैंने लिख दिए, क्लियर। अब बच्चा सिर्फ इतना देख पाता है जब तक मैं यहाँ पहुँचता हूँ, क्लियर, इन जनरल यही होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हमेशा जिसको लिखा है पहले वही छुप जाएगा, डन। पर चंदन सर क्या करते हैं दिखा देता हूँ, चंदन सर अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से, तो चंदन सर अपना फर्स्ट दिखा देता हूँ, एक मिनट, हाँ, अगर चंदन सर ने अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखा है, ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट, क्लियर, फिर मैं सेकंड यहाँ लिखता हूँ, क्लियर, इस पॉइंट के बाद बच्चा इसको देखेगा, थर्ड बच्चा इसको देखेगा, ठीक है, एंड फोर्थ फिर बच्चा इस स्टेप को देखेगा, और बच्चा देखता रहेगा कि हाँ यहाँ पर क्या चल रहा है, इस स्टेप को और ऐसे स्टेप्स को देखता रहेगा। फिर जब मुझे फिफ्थ स्टेप लिखना है तो, और बच्चे को अगर कनेक्ट करना है फोर्थ से फिफ्थ को, तो बच्चा देख सकता है साफ साफ उसके सामने है, ठीक है, फिर सिक्स स्टेप हो गया, समझ में आपको। तो ये मेन है कि मैं एक्चुअली मेरा लॉजिक है कि बच्चे को वो सब दिखे जो मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, हर एक स्टेप को कनेक्ट करें, मैं कुछ भी हिडन नहीं कर पाऊँ, ठीक है, तो मेरा भी हमेशा ऐसा रहा है कि सभी स्टेप क्लियर हो। तो यहाँ सिक्स हो गया, ये सेवन्थ हो गया और ये, तो बच्चा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ उसको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सबको दिखाई दे रहा है, क्लियर। फिर सर फिफ्थ पे गए, सिक्स पे गए, सेवन्थ पे गए और यहाँ सर ने अपना लास्ट एंड अप किया, क्लियर, तो उस बच्चे को सबको साफ साफ दिखता है। तो यही लॉजिक है कि मैं हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ मैं हमेशा कह देता हूँ कि बच्चों आपको फर्स्ट ये लिखना है, देन बाद में ये लिखना है, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।